अनुभव, सो टुडे वी आर इन व्हाट पीपल कॉल द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन द वर्ल्ड। तो किसी को भी आप पूछोगे यहाँ पे, वो बोलेंगे कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज। इसका नाम है अल्डोना। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इट्स कॉल्ड तीन मानस। तो मानस करके एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है गोवा में, बिल्ड लॉन्ग लॉन्ग वे बैक। ठीक है, वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग बैक इट इज़। इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसे ये नदी जा रही है यहाँ पे, दैट्स द रिवर, ओके, एंड देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डैमिंग इट। तो जैसे आप एम्स्टरडैम में देखे होंगे कि देर इज़ ऑलवेज अ डैम, देर इज़ अ ह्यूज डाइक्स बिल्ड टू अलाउ द वाटर नॉट फ्रॉम कमिंग इन, टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम कमिंग इन। ऐसे ही यहाँ पे वी हैव समथिंग कॉल्ड अ बंड्स। तो वी हैव अ स्टॉपिंग ऑफ द रिवर, ओके, एंड वी रिक्लेम द लैंड्स। तो जहाँ पे रिक्लेम लैंड होता है, जो पानी का इनलैंड अंडर वाटर जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे गेट्स के थ्रू रेगुलेट करते हैं। सो इफ़ यू कम अ लिटिल क्लोजर, यू विल बी एबल टू सी दिस वुडन गेट्स, ओके, एंड द पर्सन हु इज जस्ट गेटिंग इन द वाटर इज गोइंग देयर फॉर अ रीज़न। कैन यू टेल गेस व्हाई ही इज फिशिंग? बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पानी अंदर जाता है, एंड दिस वर्क्स ऑन टाइड्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइड्स। तो वेन द वाटर गोज इन, देर इज़ फिश ब्रीडिंग अंदर, एंड जब बाहर जाता है तो नेट्स के थ्रू यू कैन एक्चुअली कैच दैट फिश। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट द टेस्टीस्ट फिश यूल गेट। मानचेची और स्पेशली प्रॉन्स, मानचेची सुंगटा और प्रॉन्स फ्रॉम द मानस आर सपोज टू बी वेरी टेस्टी। गोवा हैड अ कॉन्सेप्ट कॉल कम्युनिदाद। तो कम्युनिदाद इज़ बेसिकली कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड। तो द कॉन्सेप्ट इज़, जो भी लैंड है ये पब्लिक लैंड, इज़ ओन्ड बाई द कम्युनिटी, इज नॉट ओन्ड बाई अ सिंगल पर्सन। द कॉन्सेप्ट स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, एंड द होल थिंग इज दिस लैंड इज लीज टू डिफरेंट पीपल। तो आपको कुछ करना है तो आपको लीज करता है। दिस मानस इज ऑल्सो ओन्ड बाई द कम्युनिटी। यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट रहता है, दिट्स कॉल्ड दिपकावप। सो वॉट हैपन्स इज वेन द फिश कम इन, नॉट ह्योर नॉम, अभी नहीं किया है, दे हैव अ स्मॉल टॉर्च लाइट। सो वेन यू पुट लाइट ऑन द फिश, इट गेट्स स्टंड, दैट्स वेन यू कैच इट। नाउ इट इज़ बीन एक्सप्लोर्टेड बाई लॉट ऑफ ट्रॉलर्स एंड स्टफ, वेर दे यूज बिग फ्लैश लाइट्स एंड बंच ऑफ फिश इज बींग स्टंड एट द सेम टाइम। यहाँ पे इट हैपन्स इन अ स्मॉलर स्केल, वेर यू गो इन द नाइट, यू जस्ट पुट द लाइट ऑन, नॉर्मली एक स्मॉल लाइट रहता है, यू जस्ट पुट इट ऑन and the fish gets stunned and then you can catch it. It's called dipkawap. Dipkawap is like getting stunned in Konkani. So Aldona actually is a very interesting, unique village. And it is, all the Goan villages normally are, when you say, there will be different names. So the locals will pronounce it in one way and the people who are coming, tourists, might pronounce it in a different way. So if you ask locals, you will say Haldona. Haldona. Okay? But if you ask someone, it will call Aldona. So what happens is, when the Portuguese came into Goa, there are a lot of words they could not pronounce. So they tried to make it simpler for them. So ha becomes a in Portuguese. So Haldone becomes Aldona. It happens with almost all the villages. क्या नाम है? मेरा नाम मैनुएल अलेमा। मैनुएल अलेमा, मैनुएल अलेमा। कितने साल से कर रहे हैं आप पे? माता का 13 और साल 13 इयर्स। अनि किरे करता, म्हणजे किरे काम किरे असता? सुंगटा। हां, ही सुंगटा पडता नी। हां, ती वरप आणि मागीर विकप बाजारात। ओके, सो प्रॉन्स व्हॉट एवर इज देयर ही इज कॅचिंग दोस प्रॉन्स। आणि तू हंगाच राहता? ना ना, केना जाय झाले, रातचं पावसान बी झाले राहता ना। ओके, ओनली व्हेन इट इज रेनिंग व्हेरी हेवीली ही विल स्टे हियर, अदरवाइज ही कम्स एंड गोस टू द विलेज। ऑक्शन कोण हट्टा त्याका तो रूम देतात। तातून ते राहू येतं मागीर, जाय झाल्यार राहूंक जाता केन्नाय सगळो वता। सो हुएवर गेट्स द ऑक्शन, मानस ऑक्शन, इज गिवन दिस रूम। सो हुएवर वॉन्ट्स कॅन देन स्टे हियर अकॉर्डिंग टू दॅट पर्सन। कितने साल तक का होता ये? इयरली। इयरली कितना पे करना पड़ता है? 1,75,000। और जो भी आप ये प्रॉन्स कैच करेंगे, ये जाके मार्केट में बेच देंगे? आणि बरी मेळटा नुसती? बरे निश्चय कांटा घालून मी होता, न्ही नेट घाली जाल्यार भितर मी होता। ओके, सुबह सुबह जाके बेचते हैं? हाँ, ये केना विकपाचे तुम्ही? केना? सकाळी। हाँ, सुबह जाके बेच मार्केट में जाते हैं। अल्डोना, अल्डोना के फिश मार्केट। हाँ हाँ,
और कौन सा फिश आता है प्रॉन्स के अलावा यहाँ पे? प्रॉन्स में होता है, वाइट प्रॉन्स में होता है, आता है मार्च टू मे वाइट प्रॉन्स, ये टाइगर प्रॉन्स तो है आदी कोणी येताले सगळे देवताले जाई उडताले कांटाय घालताले नुस्तें मारताले आनी आतां रेडीमेड घरा बसता मागीर पेट्टा आनी बाजारांतले आतां कोण देंवता कोण देंवना. सो यू सेइंग आल्दोना हैज ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट. अर्लियर एनीवन वुड कम हियर दे वुड जस्ट गो डाउन पुट द नेट गेट द फिश एंड ऑल. नाउ एवरीवन इज सिटिंग एट होम यू नो और आइदर ऑर्डरिंग और सम पेरेंट्स आर गेटिंग इट. सो इट हैज ऑल चेंज्ड. अर्लियर दे वुड जस्ट कम हियर एंड स्टार्ट फिशिंग एंड थिंग्स. आपको मजा आता है इस काम में? बेस्ट सर का हां बेस्ट तो का बरे बरे में होता है पकने पहले. या सो लाइक यू गेट रियली गुड फिश रियली गुड थिंग्स टू ईट. बेस्ट सर का सो ही रियली एंजॉयज इट. कुल्लांग के मुंटा मतलब क्रैब्स. हां क्रैब्स हां क्रैब कुल्लो भी धरता हांगा पट्टा नहीं हांगा पजाड़ा पट्टा सुकोन पट्टा एक दोन पट्टा तो है. लोग गलता थी नहीं गलता नहीं कोबली. हां ते गलता. सो देयर इज अ वे ऑफ कैचिंग क्रैब्स आल्सो इट्स कॉल्ड कोबला. लाइक देयर इज अ सर्कुलर थिंग एंड यू पुट द क्रैब्स कैच आर कॉट इन द मिडल. सो दैट आल्सो. आणि कसे कळते तुका टाइड केन्ना घालपाचे जाळ भी ते? मानस उकडता त्याच्यावर कमता नाही. सुट्टी आली का ना मानस उकडता. हां बोत्तेर तुका बंद जाता. सो इट इज लो टाइड इट मानस ऑटोमॅटिकली ओपन्स. ऑटोमॅटिक हाय. आणि व्हेन इट इज हाई टाइड इट क्लोजेस ऑटोमॅटिकली. सो देन ही रियलाइजेस दैट द वॉटर इज फ्लोइंग आउट एंड यू कैन पुट द नेट. या चले 9 o'clock it will close. Then it will close. Every day 45 minutes change. Yeah. आपका favorite fish कौन सा है? आपका tiger कौन बोलता है? Tiger prawn. अली कहाँ है? नॉर्थ ज़ोन. Tiger prawn. कुल्ले. Crabs. Okay. मैं होता है मोटे मनीष से मैं होता है क्या? हाँ. सही है तुका red snapper. Yeah. Sometimes you get big fish also. दूसरे white tail में होता है, short tail में होता है, हाँ. चोंकला में होता है. हाँ. हम चाहते ना हानिस्ते हूँ. हाँ तो आप बनाते हैं खाना? हाँ खाना खुद बनाते हैं? किरमदार तू करता है जॉन में घर घर आ गए. सो इट्स मदर एंड ऑल मेक्स. चलिए थैंक यू. बोले थैंक यू. थैंक यू. बोले घर है. सो वी आर गोइंग टू अल्डोना रिक्रेशनल क्लब. यस अल्डोना क्लब अल्डोना इंस्टीट्यूट. Hope we are not intruding their space. What drink do you want? What should we try? You try now. Whiskey, brandy, local cashew is there. I'll try. I'm going to have brandy today. What kind of whiskey is there? Signature. With soda or water? I'll have Fanny. Fanny. Fanny you'll have. Okay. What kind of Fanny is there? Why? Say he was there. You know him? This is second duty. You don't know him? Oh! We have met earlier. Yes, he is recognized. Fisherman. He is recognized. Yes. See, what a surprise. Yeah. I couldn't recognize him. Aldona is one of the few villages that have got two islands. Now this is an island, the lights you can see, it's an island surrounded by a river. And Kalvi is an island. And both the islands, being a small village of 15,000 or 18,000 population, we have two bridges, two huge bridges, one that's it and one connecting this. This is a cable state bridge. That's why Aldona is beautiful, no doubt about it. Wide open spaces, there's that if you go down that side, there's wide open fields and it's like a lawn of green only.
So what kind of people come here? We have a membership, I think over 1,500 members. This club was started in 1967. It's more than 50 years old. Mm-hmm. And we have membership. Membership is quite low compared to the thing, being a village institution as such. So we have table tennis every day, carom, then the library. Now only because of the pandemic, everything was sealed. Mm-hmm. It just reopened now and hardly anybody is coming in as such. Mm-hmm. Then there's a bar restaurant running every day. Mm-hmm. So for us, this is a sort of, for me, it's a second home. I come at 7, 7.30, 8, have one or two pegs and go home. Meet friends and other, we sit around. Another thing nice about this club is you can take your chair and sit anywhere you want, with whoever you want. So more of a recreational club? Recreational club. No, plus functions. Mm-hmm. Weddings, dances, this, that, everything. It's been pretty popular for dances earlier, right? I mean, Aldona was famous once upon a time. Yeah. People used to come from Vasco and Margao here for music, jam sessions and all. Yeah. We were highly reputed. Hello. So she is the expert. She is the one who makes all this food with so much love. Yeah, at the moment I was doing, see my hands. Oh, you can taste the green chilies. Mm. And this café al, mm-hmm. Very flavorful. It's very unique taste. You don't get it anywhere else. So that's what I was telling you. Pav, poi and everything. We can eat for breakfast, lunch and dinner. Yeah. Mm-hmm. So breakfast you eat it with something like even an omelette or something, you know? Mm-hmm. Normal bhaji, thing, bhaji, whatever. Like the mixed bhaji or something. For lunch you switch it with say a chicken, café al and stuff like that. Similarly for dinner. So you can. It becomes like a substitute for roti. Mm-hmm. Aunty, how did your interest in cooking develop? I'm interested. You don't like of cooking? Of course, it's my hobby. I love cooking. But how did you develop? Like, how can you make such amazing food? I look in the YouTube also sometimes for help. Okay. Yeah. And I'm a foodie. I like to try different dishes. North Indian, South Indian, West, all sorts of food. Even preparing? Bowl food is the best. Mm-hmm. What's your favorite Goan dish? Prawn curry and rice. What I'm having right now. Mm-hmm. And even mackerels. Yeah, I have mackerels. Here in Goa, if you ask most Goan families, what they think is chit curry. That is a staple food of Goa. Staple food of Goa. Chit curry. Fish curry and rice. Fish curry rice or prawn curry rice. Mm-hmm. The good thing is, you never waste it. Even next day, you can make something out of kalchi curry. People say that the sheep, the curry, tastes better the next day. Tastes better the next day compared to the first day. So you call it kalchi curry. Yesterday's curry, and you can make, like, you can eat it for breakfast and for lunch. No, even this mackerel is perfectly fried. It's like crisp from outside, soft inside. Yeah. All the flavors, sweet, spicy, tangy. Okra and prawns. Catholics usually use toddy vinegar, Hindus will use kokum. Mm-hmm. But now, I mean, we use both, it doesn't matter. Yeah, yeah. And in this in April, May, we use mango in the prawn curry, raw mango.
make it very quickly, it doesn't take time. It is so soft, fluffy, And that stuffing is very unique to this region. Because the jaggery, you don't get it anywhere else, and that along with coconut, I mean with both coconut, with grated coconut and jaggery made of coconut. So the combination goes very well with this batter. I am the only one here in Algona who makes wine of all fruits. Here people make only of grapes. Wow, so you have guava. Guava. Mint. Mint is pudina. And this one? Pineapple wine. Pineapple. Which I just made now recently, it is not red wine. You can drink it after 2 months. It's only 1 month. This is... I didn't put label for this. I will taste and let you know what's it. I think this is a star fruit, no, Johan. It's cherry. And then you have cashew. Cashew. And bimli. So I make pickles also of bimli. Wine and squash. Can I try some bimli? Bimli is the best. That's it. Yeah, I think cashew was one very strong, and the bimli is the lightest one. And sweeter one. You want to taste a guava wine? Okay, I'll taste some guava as well. Thank you. Thank you.